मैम बात कर रहे हैं, देखिए टिकटॉक बंद हो गया है लेकिन उसका असर अभी भी है, क्या कहना है, कितना एंजॉय कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि टिकटॉक का असर है, हम लोग एकदम देश प्रेमी लोग हैं तो हम लोग इंडियन ऐप के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं इस फिल्म में। आपका नाम क्या है? मुकेश। नहीं, वो ऐप का नाम क्या है? आपका नाम मतलब आपका नाम नहीं, ऐप का नाम है MX टकाटक। तो हम लोग इसमें टिकटॉक स्टार्स नहीं है, हम लोग इसमें MX टकाटक स्टार्स हैं। हाँ। तो है एक नया जो आया है ऐप से टिकटॉक जैसा ही है या कितना डिफरेंट है, कितना एंजॉय कर रहे हैं? वैसे ही शॉर्ट वीडियोस का ही एक प्लेटफॉर्म है और मैं तो ये फिल्म में शूट कर रही हूँ कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाती हूँ, बट रियल में एक्चुअली मैंने वो ऐप को यूज़ नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे पता नहीं है, बट अभी मैं ट्राई करूँगी यूज़ करना ताकि मुझे भी पता चले और वो एक्सपीरियंस फिर से मिले मुझे। टिकटॉक पे ढेर सारे वीडियो आपके वायरल होते हैं, आपके फैंस के बड़े अच्छे लगते थे, और अब इस पर आगे किस तरह तहलका मचाने वाले हैं? ये तो फिल्म है, दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये फिल्म की कहानी उस कहानी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है शॉर्ट वीडियोस बनाना, तो वो हम लोग कर रहे हैं। पर मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिस नहीं करती, मैं नॉर्मल पोस्ट्स भी करती हूँ तो भी ऑडियंस मुझे उतना ही प्यार देती है, तो मेरा तो आई एम मोर देन इनफ हैप्पी। मुकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे टिकटॉक बंद होने के बाद? आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी? टिकटॉक बैन होने के बाद वो तो ऑब्वियसली नेशन का डिसीजन था तो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट उसके बाद हमें प्लेटफॉर्म मिला MX टकाटक जो भी एज इक्वल टू टिकटॉक सिमिलर ही है जो इंडिया का प्लेटफॉर्म है, तो हम वहाँ पे मेहनत कर रहे और मेरे जो फैंस थे टिकटॉक के मुझे वहाँ भी उतना ही प्यार दे रहे, मेरे वहाँ पे 2 मिलियन भी कम्प्लीट हो चुके हैं अभी 1.5 महीने में, सो इट्स वेरी गुड साइन फॉर मी, तो हम वहाँ पे मेहनत करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ मूवी आई गेस, मैम ने यूज़ करी सिर्फ मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेट आप क्लियर हो जाओ पहले उस चीज़ से। एक सुपरस्टार नायिका के साथ पहली फिल्म आप कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि वो आप सबके लिए मैम है तो मेरे लिए भी वो अम्रपाली जी ने मेरे लिए मैम है, मैं हमेशा उनको मैम के नाम से बुलाता हूँ, और जहाँ भी शूट हो रहा है जहाँ पे मुझे आई गेस गाइड वही कर रही है, हमारे जहाँ सीन्स हो रहे हम तो ऐसे थड़ थड़ करते हैं मैम के साथ सीन कर रहे हैं, तो मैम बोलती हो जाएगा चिल करो कर लोगे, मैम ऐसा हमें मोटिवेट कर रहे, तो इट्स गुड साइन कि इतने अच्छे वेल नोन एक्टर के साथ काम करके बहुत कुछ सीख जाऊँगा आई गेस 1 महीनों में। जिनके आप फैंस होते हैं उनके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कितना एक्साइटेड थे आप? बहुत एक्साइटेड था आई गेस, हम ये प्लान आई गेस 1 ईयर से करें ना, बट जाके मैं मैम को मिल ही गया, ठीक है मैं मैम को मिल ही गया तो हम बहुत मतलब इट्स लाइक हम एक वैकेशन पे आए, हम वहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हम मस्ती करते थे, हमारी सारी शूटिंग और ऐसा कोई नहीं कोई बड़ा आर्टिस्ट है या फिर कोई छोटा, मैम ने सबको एक जैसा रखा है। मैम क्या कहना चाहेंगी आप, एक इनका जो है कैरियर है आप इसमें एक अलग डिफरेंट रोल में नजर आने वाली, बता दें क्या किरदार है आपका? मेरा किरदार एक बहुत ही देसी लड़की का है जिसे अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, और वो कैसे अपने मोटिव के लिए मेहनत करती है और अपने काम से इतना लोगों को इम्प्रेस कर देती है कि उसको फॉलो करते हुए मुंबई से लोगों को गांव तक उसके आ जाना पड़ता है, एक ऐसी कहानी है। सो आई एम श्योर कि ये बहुत अलग है और लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। हर फिल्म में हम लोग ज़्यादातर यही दिखाते हैं कि लोग अपना गाँव छोड़ कर बम्बई चले जाते हैं काम करने के लिए, बट इस फिल्म में ये दिखाया जाएगा कि किसी ने इतना अच्छा काम किया कि लोग मुंबई छोड़ के यहाँ पर आ गए उसको हायर करने के लिए, तो आई थिंक ये ही अपने आप में बहुत अलग है और बहुत नया है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूरी टीम नई है, मैं पहली बार ये लोगों के साथ काम कर रही हूँ, मुकेश जी के साथ, जय जी के साथ, हमारे डायरेक्टर प्रवीण जी के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ, एंड आई होप हम सब जितना इन्जॉय कर रहे हैं हमारी खुशी हमारे चेहरे पर भी झलके और ऑडियंस जब ये फिल्म देखे तो उन्हें बहुत अच्छा लगे। मैम आपके किरदार से नारी सशक्तिकरण का एक मैसेज भी जा रहा है। एक्चुअली मैं ना
नारी सशक्तिकरण ये जो शब्द है इससे मुझे बहुत इरिटेट होता है। कोई होता नहीं है कि आपको शक्ति दे सके, आप में अपने आप शक्ति है, तो कोई आपको शक्ति देगा, कोई विमेन एम्पावरमेंट करेगा, ये सब बातें मुझे सुन के बहुत इरिटेट होता है। हम अपने आप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, तो बस अपने अपनी ताकत को पहचानने की देर है और उसके बाद तो पंख फैला कर उड़िए औरतें। जय यादव जी की बात की जाए, BIPL में भी कहीं कहीं साथ में रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए और आज स्क्रीन शेयर भी कर रहे हैं। जी जी जी, क्या कहना चाहिए? वो उनके साथ भी मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। पहले हम लोग